हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आज मैं फाइनली लेके आ चुका हूँ महामुकाबला 650cc इंजन्स का रॉयल एनफील्ड की, यानी कि यहाँ पे मेरे पास खड़ी है एक इंटरसेप्टर, यहाँ पे खड़ी है एक GT, यहाँ पे खड़ी है एक शॉट गन और यहाँ पे खड़ी है एक सुपर मिट्योर 650। तो इनमें से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए और कौन सी बाइक आपके लिए बनी है, इसके बारे में आज करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं, ये सारी हैं 2024 मॉडल की गाड़ियाँ, यानी कि इनके अंदर कंप्लीट अपडेट आ चुका है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सारी गाड़ियों में एडजस्टेबल लीवर्स हैं, और सारी ही गाड़ियों में आप देखें तो आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प मिलती है। ये देखिए, इधर एडजस्टेबल लीवर्स, LED हेडलैम्प, और सारी गाड़ियों में यही सेम आपको फीचर मिलेगा। तो अब एक्चुअली मैं बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी फिर लेनी चाहिए, क्या फ़र्क है सारी गाड़ियों में। तो गाइस, जो खेल है सारा, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो बेसिक्स का फ़र्क है, वो फ़र्क है राइडिंग पोश्चर्स का। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सिटी टूरर एक बाइक है, ये हमारी इंटरसेप्टर 650, जिसको कि काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारी लोग इसको फ्रॉम द डे ऑफ लॉन्च पसंद करते आ रहे हैं। अब इस गाड़ी के कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज़ कि 650 के लाइनअप में अगर आप देखने जाएंगे तो सबसे स्टार्टिंग रेंज में आपको मिल जाएगी इंटरसेप्टर 650। 650 के रेंज के जो भी 650 इंजन्स रॉयल एनफील्ड के हैं, उसमें सबसे स्टार्टिंग रेंज में जो आपको मिलेगी वो मिलेगी इंटरसेप्टर 650। लेकिन अब यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे प्राइस लो है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि राइडर्स के फेवर में नहीं होती हैं। अब राइडर्स के फेवर में क्या नहीं आता है, मैं उसकी बात करता हूँ। बाइक बहुत अच्छी है, सेम 650cc इंजन है, लेकिन अगर आप इसकी चासी देखें तो परफॉर्मेंस हैरिस ने बनाई है, कोई कमी नहीं है गाड़ी में कहीं से भी। लेकिन अगर आप इसका स्टांस की बात करें या फिर आप बात करें कम्फर्ट की, तो आप अगर इससे 500-600 किलोमीटर या फिर लॉन्ग टूर्स करना चाहते हैं तो कहीं पे ये बाइक ना थोड़ी सी मार खाती है। तो अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो सीट बहुत पतली है, अगर आप टूरिंग सीट भी लगाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ पे आपको फ़र्क पड़ता है राइडिंग इंस्टेंस में। तो ये तो हो गई एक बात इसके बारे में। अदरवाइज़ अगर आप इंजन वाइज बात करें, परफॉर्मेंस वाइज बात करें, तो ये बाइक कहीं पे भी आपको कम नहीं पड़ेगी। आपको 19 नहीं पड़ेगी इनमें से किसी से, लेकिन एक कंफर्ट अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आप आराम से बहुत रिलैक्स पोजीशन में चलना चाहते हैं, तो देखिए एक तो होता क्या है, ये देखिए एक चीज़ जो इसमें डिसएडवांटेज है वो ये है कि देखिए यहाँ पर जो फुटपैग्स है ना, ये आपको कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए आपको गाड़ी आगे पीछे पुश करनी है, तो ये आपको तंग करते हैं। ये फुटपैग्स की जो पोजीशनिंग है ये थोड़ी सी ऑड है, यानी कि अगर आपको बाइक को कहीं पुश करना पड़ता है तो ये फुटपैग्स आपको तंग करेंगे। अब अगर पोश्चर की बात करें तो ये देखिए, आप इस बाइक पे कुछ बैठते हैं, कुछ यूं बैठते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप मेरे ओपिनियन को अगर आप माने, तो थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो राइडिंग का पोश्चर है ना, वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं आता है। तो ये टूरर तो है, सिटी टूरर है, लेकिन आपको ये वो मज़ा नहीं दे पाएगी जो आप एक टूरिंग बाइक से एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरी, ये आजकल के यूथ की बहुत ही पसंदीदा गाड़ी है, जैसे कि कहते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650। अब आप कहोगे दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल एक हैं, नहीं बिल्कुल एक नहीं है, इनमें फ़र्क है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप कि इंटरसेप्टर के जो फुटपैग्स हैं वो पीछे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे GT के, ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे पैरों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो, ये देखिए यहाँ पे ये फुटपैग्स फोल्डेबल हैं। प्लस ये एक कैफे रेसर है। कैफे रेसर्स
आर डेफिनेटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड ऑफ बाइक्स एज कम्पेयर टू द टूरर्स. कैफे रेसर्स बेसिकली शॉर्ट राइड्स, फन राइड्स, इंस्टा पिकअप राइड्स, कुछ इस टाइप की चीज़ों के लिए बनी है. तो बेसिकली ये बाइक यंगस्टर्स की आज भी एक पहली पसंद है. अब ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे, ये होते तो हैं पीछे लेकिन ये आपको तंग करेंगे. ये वाले फुटपेग्स की पोजीशनिंग में और इस वाले फुटपेग की पोजीशनिंग में बहुत फ़र्क आता है. अब आ जाते हैं हम तीसरी बाइक की तरफ, विच इज़ शॉटगन 650, विच इज़ अगेन अ बॉबर मॉडल ऑफ रॉयल एनफील्ड, विच हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय रॉयल एनफील्ड. अब इस बाइक के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं. क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो सबसे पहली चीज़, ये आपको एक बॉबर लुक में आती है, यानी कि ये आपको एक अर्बन बॉबर लुक में आती है. इस बाइक का एक और बहुत ख़ास एडवांटेज है, वो ये है कि ये बाइक आपको कंप्लीट कस्टम का एडवांटेज देती है, यानी कि ये बाइक इज़ लाइक अ नेकेड स्लेट, जिसको कि आप चेंज करके अपने हिसाब से जो बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं. ये इस बाइक में आपको खासियत मिलेगी. उसके बाद अब अगर आप इसके फुटपेग्स की पोजीशनिंग की बात करो, तो यहाँ पे फुटपेग्स की पोजीशनिंग कुछ ये है और ये काफ़ी कंफर्टेबल राइड देती है. अगर आप मुझसे पूछिए इंटरसेप्टर और शॉटगन के बीच में अगर मुझे चुनना पड़े, तो मैं डेफिनेटली शॉटगन को चुनना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बैठने के बाद जो मुझे पोजीशनिंग है ना गाड़ी की, कि मतलब काफ़ी हैवी स्टांस है और बाइक जो है ये कॉन्फिडेंस देती है. उस बाइक पे आपको उतना कॉन्फिडेंस शायद नहीं आएगा, लेकिन इस बाइक पे बैठने के बाद फुटपेग्स की पोजीशनिंग के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है. मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं किसी अच्छी बाइक पे बैठा हूँ, एंड दिस गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस. तो ये बाइक डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी बाइक को कस्टमाइज़ करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और जो लोगों को पसंद है कि मैं अपनी बाइक को कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से बनाऊं. सो दिस इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट विच इज़ अवेलेबल आउट देयर फ्रॉम द हाउस ऑफ रॉयल एनफील्ड. अगेन अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ के बाद प्रीमियम होता चला जाता है सेगमेंट, तो यहाँ पे आपको कुछ फ़र्क भी देखने को मिलते हैं. अब अगर फ़र्क की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो टैकोमीटर और डिजिटल मीटर्स मिलते थे वो कुछ अलग तरीके के थे. उसमें ट्रिपर नेविगेशन नहीं आता, यहाँ पे ट्रिपर नेविगेशन ऐड हो जाता है, और यहाँ पे मीटर का स्टांस वगैरह बदल जाता है. हालांकि ये रोटेटरी स्विचेस वगैरह सेम रहते हैं, लेकिन अब अगर आप देखो तो यहाँ पे मिरर्स कुछ अलग तरीके के हैं, और यहाँ पे मिरर्स जो हैं ये काफ़ी अलग तरीके के मिरर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो ये एक बेनिफिट आपको डेफिनेटली शॉटगन में मिलेगा. तो प्लस यहाँ से आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं यूएसडी फोक्स, यहाँ यूएसडी फोक्स आ जाते हैं. इसके बाद इसी में आपको इंटरसेप्टर के और कॉन्टिनेंटल जीटी के कुछ वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि इसमें अलॉय व्हील स्टैंडर्ड हो जाता है. अलॉय व्हील इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा. तो ये तो हुई शॉटगन की कहानी. अब इसमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है आपको यहाँ पे शॉटगन में, कि इधर आपने चाबी लगाई, वेरी इजीली यू कैन टेक ऑफ दिस सीट बाय जस्ट पुटिंग योर की इन देयर. यहाँ पे आपको सीट वापस लगानी है, बस ये लीजिए सीट आपकी वापस लग गई. प्लस इसमें इसके नीचे सीट के अदर ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि मतलब आप इसको ऊंचा भी करवा सकते हैं, टूरिंग सीट लगा सकते हैं, इसमें लो राइजिंग भी कर सकते हैं. तो ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है. और अब चलते हैं इस बाइक की तरफ जो कि है सुपर मीटियोर 650. तो सुपर मीटियोर 650 आपको पता है हमारे स्टेबल में भी है. अब अगर आप इस बाइक को देखते हैं तो ये इन तीनों बाइकों से बिल्कुल ही अलग बाइक है. ये बाइक आपको बिल्कुल भी फील नहीं कराएगी कि मैं 650 सीसी सेगमेंट की बाइक हूँ. रीज़न बीइंग क्योंकि इसका लुक बिल्कुल क्रूज़र है, इसकी जो सीटिंग स्टैंड्स है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. और अगर आप इन तीनों बाइक्स के लुक्स को कंपेयर करें इस बाइक के साथ में, तो ये बाइक आपको बहुत हैवी मेटल फील होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर थ्री बाइक्स. तो ये बाइक जो है मैंने पर्सनली भी बहुत चलाई है,
पर्सनली मेरे पास है भी, तो इस बाइक के साथ जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे नज़र आता है वो ये है कि इट फील्स लाइक अ सोफ़ा सीट। सोफे की सीट पे आराम से बैठ जाइए और आराम से 100, 200, 300, 400, 500 जब तक चलना है तब तक चलते रहिए। पुश नहीं करना पड़ेगा आपको, आपको ये नहीं फील होगा कि आपको बाइक को पुश करना है, क्योंकि बाइक का स्टैंड कुछ इस तरीके से है कि पीछे छोटा व्हील है, आगे बड़ा व्हील लगा है, तो ये थोड़ा सा क्रॉल्ड क्रूज़र लुक में है, तो उसकी वजह से जो इसका पॉस्चर है, जो इसका डिज़ाइनिंग है, वो बिल्कुल ही अलग है। और यही वो रीज़न है कि इंटरसेप्टर इज़ द स्टार्टिंग वेरिएंट प्राइसिंग, जीटी इज़ द मिड वेरिएंट, देन दिस शॉटगन गेट्स ऑन टू अपर सेगमेंट एंड दिस इज़ द मोस्ट अपर सेगमेंट, यानी कि सबसे एक्सपेंसिव बाइक अगर आप रॉयल एनफील्ड की देखते हैं तो वो आपको सुपर मीटियोर 650 ही पड़ती है। तो अब इनमें से आपको लेनी कौन सी चाहिए? अगर आप एक रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या आप एक रेगुलर बाइक इंथूजियास्ट हैं जैसे बाइक चलानी तो है बट बहुत लंबी नहीं चलनी है, ही वॉन्ट्स टू इन्जॉय बाइकिंग, बाइक बड़ी स्टाइलिश दिखती हो, देन आई वुड से यू कैन गो विद कॉन्टिनेंटल GT अगर आपको लॉन्ग राइड्स नहीं करनी है तो। अगर आपको लॉन्ग राइड्स भी करनी है और प्लस सिटी में ही रहना है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ बजटेड 650cc सेगमेंट, देन यू शुड गो विद द इंटरसेप्टर 650। एंड इफ़ योर बजट इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट एंड यू वॉन्ट अ कम्फर्टेबल बाइक, देन यू कैन ऑप्ट फॉर शॉटगन 650 एंड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर सुपर मीटियोर 650। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली टूर करते हैं, हाईवेज पे बहुत क्रूज करते हैं, बहुत लंबा लंबा आपको बाइक से चलना पसंद है, तो आपको डेफिनेटली सुपर मीटियोर 650 ही लेनी चाहिए, क्योंकि दिस बाइक हैज़ द स्टैंड्स टू बीट ऑल द 650cc सेगमेंट बाइक्स एट प्रेजेंट अवेलेबल। तो ये तो मेरा एक छोटा सा रिव्यू फॉर दिस। अगेन प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के हिसाब से हमने गाड़ी लगाई है, करेंटली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स इन द बेस मॉडल्स, ये सेकेंड बेस कह सकते हैं आप, वो थर्ड बेस एंड दैट इज़ द एंट्री लेवल बाइक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के मन के डाउट्स क्लियर हुए होंगे 650cc सेगमेंट की बाइक को लेने से रिलेटेड। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपनी वैल्यूएबल राय ज़रूर दीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर्ड व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, stay tuned, stay safe, stay secure. Good.